नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। महाशिवरात्रि की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखते हैं न्यूज हाइलाइट्स। महाशिवरात्रि के अवसर पर सोमवार को जलपाईगुड़ी में सुबह से ही शिवालयों में भगवान शिव की पूजा करने भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। आज शिव चतुर्थी महाशिवरात्रि की सुबह जलपाईगुड़ी स्थित पारंपरिक जोगमाया कालीबाड़ी के शिव मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों में भगवान शिव की आराधना शुरू हो चुकी है। बताया जाता है कि मंगलवार रात भगवान महादेव की पूजा अर्चना जारी रहेगी। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर घरों में भी शिव की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग में पर्यटक टॉय ट्रेन का मजा लेने पहुंचते हैं। पहाड़ की हसीन वादियों में टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरती टॉय ट्रेन की सवारी पर पर्यटक को अपनी ओर खींचती है। हालांकि कोरोना के कारण पिछले दिनों पर्यटक स्थलों को बंद कर दिया गया था। इसके बारे में DRM ने कहा कि पिछले साल सितंबर के बड़ी संख्या में पर्यटक टॉय ट्रेन का लुत्फ उठाने में असफल रहे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कई यात्रियों ने सर्दियों में ठंड के मौसम में टॉय ट्रेन की सवारी शुरू करने का अनुरोध किया, लेकिन गर्मियों में कर्शियांग में बहुत गर्मी होती है। यही कारण है कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए आज से एयर कंडीशनर टॉय ट्रेन के टिकट की कीमत कम कर दी गई है। सिलीगुड़ी नगर निगम के डिप्टी मेयर बनाए गए रंजन सरकार। इसी के साथ कोलकाता के डिप्टी मेयर, परिषद सदस्यों एवं बोरो कमेटी के चेयरमैन के नामों की घोषणा कर दी गई है। लंबे समय से चल रही सस्पेंस को आखिरकार पूर्ण विराम दिया गया। सिलीगुड़ी नगर निगम क्षेत्र पर आधारित शहरी भूमि वितरण समिति के साथ मेयर गौतम देव ने बैठक की। बैठक सिलीगुड़ी नगर निगम के सभागार में की गई। सिलीगुड़ी महाकमा शासक, सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर, SDO, LR, जलपाईगुड़ी, ADSR और अन्य संबंधित अधिकारी भी मौके पर उपस्थित थे। एक बार फिर सिलीगुड़ी में देखने को मिला वाहन का तेज रफ्तार का कहर। एक तेज रफ्तार ने ली एक वृद्ध की जान। यह घटना NGP के IOC इलाके में देर शाम घटी है। जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार मालवाही ट्रक अनियंत्रित होकर एक वृद्ध के ऊपर से निकल गया, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम माणिक दास बताया जाता है। इस घटना के बाद उक्त इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं तत्काल NGP थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। केंद्र की मोदी सरकार के साथ हर क्षेत्र में तकरार के बीच पश्चिम बंगाल से सामने आई बड़ी खबर। यूक्रेन संकट में भारत सरकार ने वहां फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं। मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सोमवार को यूक्रेन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिना शर्त समर्थन देने की पेशकश की है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा गैर आक्रामक संबंधी देश के रुख के अनुरूप संकट से उबरने के राष्ट्रीय संकल्प के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने पर विचार करने का आग्रह किया है। वहीं इस खबर से यह स्पष्ट हो जाता है कि वैचारिक रूप से सियासी रास्ते भी भले अलग हों, पर राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के मुद्दे पर देश की पार्टियां का एकजुट होना हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती को दर्शाता है। आम लोगों को फिर से बढ़ेगा महंगाई का बोझ, क्योंकि अमूल दूध ने दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं और नई कीमतें आज से लागू हो जाएगी। इस बढ़ोतरी के बाद 1 मार्च यानी मंगलवार से अमूल गोल्ड पर 500 मिली वाला पैकेट 30 रुपए का, अमूल ताजा 24 रुपए और अमूल शक्ति 27 रुपए का मिलेगा। अमूल के अनुसार कीमतों में इजाफा उत्पादन खर्चे में बढ़ोतरी के कारण किया गया है। बाजारों में कुल क्रीम दूध 60 रुपए प्रति लीटर मिलेगा, जबकि टोन दूध 50 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। 2021-22 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 5.4% रही। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 5.4% रही। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2020-21 के इस अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में 0.7% की वृद्धि थी। अपने दूसरे अग्रिम अनुमान में NSO ने 2021-22 में 8.9% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। जनवरी में जारी अपने अग्रिम अनुमानों में इसमें 21-22 के लिए 9.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था, जबकि 2020-21 में 6.6% का संकुचन रहा था।
कम आधार पर प्रभाव के कारण चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के अर्थव्यवस्था में 20.3% की वृद्धि हुई थी। दूसरी तिमाही में जीडीपी 8.5% बढ़ी। अक्टूबर दिसंबर 2021 में चीन की अर्थव्यवस्था 4% बढ़ी। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना की चौथी लहर की दस्तक 22 जून से हो सकती है। 23 अगस्त के बीच करीब चौथी लहर का पीक होगा। 22 अक्टूबर तक इसका प्रभाव पूरी तरह धीमा पड़ जाएगा। वैज्ञानिकों का यह शोध मेड आर्किक वेबसाइट पर प्रकाशित भी किया गया है। हालांकि इस दावे पर सूत्र मॉडल से कोरोना की स्थिति बताने वाले आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने अपनी मुहर नहीं लगाई है। उनका कहना है कि यह रिपोर्ट उनकी नहीं है, इस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। आईआईटी के गणित व सांख्यिक विभाग के वैज्ञानिकों ने गॉसियन वितरण प्रणाली के आधार पर कोरोना की चौथी लहर को लेकर आकलन किया है। उन्होंने इस आकलन के लिए अवर वर्ल्ड इन डेल्टा डाटा ओरार्जी नामक वेबसाइट से कोरोना की पहली लहर से लेकर अब तक के आंकड़ों पर डाटा तैयार कर अध्ययन किया है। आज के न्यूज हाइलाइट्स में इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। CareerScope Consultants, its one-stop solution for consultancy services related to educational counseling and recruitment. उलझन में है कि 12वीं के बाद क्या करें? Educational counseling अपने करियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को चुनने में छात्रों की मदद करते हैं। इसके अलावा हम पूरे भारत और विदेशों में स्किल्ड हो या फ्रेशर्स को रोजगार के अवसर देते हैं। CareerScope Consultants, एक उज्जवल भविष्य का द्वार। कनेक्टिंग द राइट कैंडिडेट्स विद द बेस्ट एम्प्लॉयर्स। निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करें, कैरियर काउंसलिंग और रोजगार के लिए संपर्क करें। नया कैनन पिक्समा इंक टैंक फोटो प्रिंटर, जिसके 6 कलर्स देते हैं बेहतरीन फोटो प्रिंटिंग एक्सपीरियंस, प्रिंट रिजल्ट्स जो लगे एकदम रियल, कॉन्ट्रास्ट आकर्षक चमकदार कलर्स में, प्रिंट्स जो चले 100 सालों तक, और इतना सब कुछ वो भी बेहतरीन कीमत पर। नया कैनन पिक्समा फोटो प्रिंटर 6 कलर्स इंक टैंक के साथ, ताकि आप हमेशा प्रिंट करें ब्रिलियंस। कैनन, डिलाइटिंग यू ऑलवेज।